दोस्तों यूपी फ्री टैबलेट योजना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके तहत अब फ्री लैपटॉप और टैबलेट उन छात्रों को दिया जाएगा जिनके पास SMS आ चुका है। जिन छात्रों को अभी SMS नहीं आया है और उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, उनको SMS भेजने की प्रक्रिया अभी जारी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में फ्री टैबलेट लिस्ट 2022 में केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके पास SMS आया है। DS कॉलेज अलीगढ़ की लिस्ट जारी हो गई है। इन छात्रों को विधानसभा चुनाव के बाद फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली सूची में चयनित छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। उस सूची में जो अभी बच्चे टैबलेट और स्मार्टफोन योजना से बचे हुए हैं, उन छात्रों को भी टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। अभी कुछ थोड़ा और इंतजार करें, इसके बाद में उन्हें भी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। दोस्तों अभी छात्रों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जिन छात्रों को SMS आ चुका है उनको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन कब मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जिन छात्रों को SMS आ चुका है उनको चुनाव के बाद में आचार संहिता हटा दिए जाने के बाद में मिलेगा। कुछ जिलों में अभी भी छात्रों को बुलाकर फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ दिया जा रहा है। टैबलेट योजना की पल पल खबर के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।